महामहिम राज्यपाल जी को सौंपा है। महामहिम राष्ट्रपति के नाम कि पंजाब में जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई है, ये चूक बहुत बड़ी गलती है और इस चूक को किसी प्रकार के बयानों से ढापा नहीं जा सकता और इस चूक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग हमने अपने ज्ञापन में की है। किस प्रकार की कार्रवाई की मांग है सर? ये निर्णय जो है वो केंद्र सरकार करेगी, लेकिन ये चूक बहुत बड़ी है और ऐसी चूक के बाद हमें नहीं लगता कि कोई जिम्मेवार सरकार अभी पंजाब में है और उसको बने रहने का कोई हक है। सुरक्षा चूक का मामला एक तरफ हो गया सर, इसके अलावा अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो कह रहे हैं कि कुर्सियां कांग्रेस की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, किसी भी प्रकार के बयान से इस चूक को ढापा नहीं जा सकता, ये बहुत बड़ी गलती है और इस गलती को किसी भी प्रकार से माफ नहीं किया जा सकता। पंजाब बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं की जा रही है सर, सरकार को बर्खास्त करने को लेकर सर, उनकी तरफ से भी राज्यपाल से मुलाकात की गई? पंजाब भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से जो बात कहेगी वो पंजाब भारतीय जनता पार्टी ने कहनी है। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा है कि ये चूक बहुत बड़ी है और किसी भी प्रकार के बयानों से इसको ढापा नहीं जा सकता और इस चूक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर,